तू चांद और मैं तारा। तो तुम मेरी किस्मत का तारा हो। वो तारा जो अपने चांद के हमेशा पास रहे। इतने पास भी ना हो मेरे, कहीं ये चांद तुम्हारी आंखों में डूबी हुई जाए। कैसी तबीयत है आपकी? निकाह तो पढ़ा लेंगे ना आप, पर किसी और को बुला ले मैं नहीं कर सकता बेटा। चल देखे मौलाना साहब, सिर्फ निकाह तो पढ़ाना है, कोई दूल्हे को घोड़े पे थोड़ी चढ़ाना है, थोड़ी सी हिम्मत करें। खाने का आप क्या करें, खाना इतना ज्यादा बच गया है तो आए। अरे तो भाई काम आ जाएगा ना, अभी मेहमान भी तो आए हुए हैं। कुछ मैं क्या काबू भैया, देखे जरा उन दोनों पर, आशु और रूमी कैसे स्टेज पर बैठ के चोचे लड़ा रहे हैं, हम पर हंस रहा है। हाँ लोग तो हंसेंगे ही ना, अगर इस उम्र में शादी करोगे तो जिम्मेदारी निभाने का काम है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। आजकल के बच्चों ने तो इसको खेल तमाशा समझ रखा है। एक सेकंड, मैं हाशु के बच्चे को 3-4 जूते लगा के आता हूँ कस के, फिर ठंड प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अरे क्या कर रही है, तो दूल्हा है वो, आज तो बख्शते हैं। वैसे मुझे तो वैसे ही शादी सिरे चढ़ती नजर आ नहीं रही, मुझे तो लगता है दोनों ही भाग जाएंगे बहुत जल्दी। सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल फोन है, पेंसिन के फोन लेता हूँ, देखता हूँ अब ये मैदान छोड़कर कहाँ भागते हैं। ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था, मगर वेरी गुड आइडिया, बिल्कुल सही कर। बैन कर दे कि कैथल कल्चर हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम रुको मैं लगाती हूँ तुम्हारी। मैं मजाक कर रहे थे भाऊजान। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी तुम्हें अपने बाप से मिलेंगे अगर तुम दोनों ने इंसानों की तरह बिहेव किया तो। मैं नहीं सा बैन हो चुप कैसा चला था रहा ये रखो दे बाबू में ये लो और वापस मत देना ये आप कर रहे कैसे कल का फील कर रहा है खुश तुम खुश हाँ अबे चुप बैठ जा लाओ मेरे दूध पिलाओ देखने की जहाँ से पी जाऊंगा मैं ऐसे कैसे पी ले फौरन 50,000 डीले करे 50,000 जी पूरे 50,000 तो बिल्कुल 50,000 मिलेंगे क्यों डॉलर मिलेंगे ना ये 50 और ये 1,000 हो गया 50,000 चीटिंग मत करे आप तारा समझाओ इन्हें अरे भाई तुमने 50 और 1,000 मांगे थे ना तो मिल गए तुम्हें 50 और 1,000 कितने हो गए 1,050 चची प्लीज अब तो सिफारिश आ गई चांद अब तो देने ही पड़ेंगे तो देने ही पड़ेंगे बेगम मैं सिफारिश कर दी इसलिए दे देता हूँ ये 20,000 रुपए है बस इससे काम चला लो चांद भाई आपको एक और चांद चढ़ाने को नहीं कहा है 50 का मतलब 50 ही होता है डोंट वरी हमारी तारा भी ना दिन में तारे दिखा देगी लिख दिए 30,000 खाते में आना तो हमारे ही हॉस्पिटल है ना तुम मेरी टीम हो या उनकी तो तुम्हारी टीम में हो भाई ये किसकी टीम है ओ अच्छा तुम घर चलो बात करते हैं बिगड़ करके लाओ भाई दूध पिलाओ अरे भाई पूरा अरे तुम्हारी सोच है इसको तो हटा ले ये बच्चे पीते हैं इस तरह चेयर्स अरे 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 अंदर अरे टॉयलेट टॉयलेट
राजी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? भूख नहीं है मुझे। अरे अभी तो बच्ची शहर में है, कल को मुल्क से बाहर जाएगी तो फिर क्या करूंगी? औलाद की बेहतरी के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ता है। ऐसे कड़वे घूंट जो जिंदगी को कड़वा कर दे, उनसे परहेज करना चाहिए। बिरयानी बहुत आला है। माला मेरा फोन आके दो ना सलीम अंकल से। वैसे ना करती ऐसी हरकतें, मेरा फोन भी गया इसके चक्कर में। हाँ तो तुम भी तो वीडियोस बना रहे थे। बेतुकी वीडियोस तो नहीं बना रहा साला। बेतुकी एक मिनट, तुम दोनों ने क्या लड़ने के लिए शादी की है? तो कुछ घंटे फोन के बगैर ना सीख लो ना, आई स्वेर नहीं निकलेगी जान तुम दोनों की। ओके मैं जाऊं। कितनी कंजर्वेटिव फैमिली है तुम्हारी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी अम्मा जितनी लिबरल नहीं है। क्या करूंगी इतनी देर फोन के बगैर, सेल्फी भी नहीं ले सकती। मक्खियां मारो, देखो कितनी मक्खियां है हॉल में। प्लीज प्लीज कोई इज्जत है यार। हां हेलो, अभी बताना क्या रिपोर्ट है प्रोटेस्ट की? खुल गए रास्ते, चले गए सब अपने घर। वेरी गुड, चलो ठीक है, मैं रुखसती का कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो? अरे तो आओ ना यार, यहाँ खाना वाना तो खा के जाओ। आजा आजा मिलके खाएंगे, मैंने भी नहीं खाया। ओके आंसू निकाल लो। अरे मैं क्यों रो, मेरे दिल पे तो लड्डू फूट रहा है। सर डॉक्टर वो क्या कहेंगे, जो कहते हैं कहते रहे, मैं झूठ फूट कर नहीं रहूंगी भाई, मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। शाबाश बेटा, बिल्कुल एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसी हो वैसी ही रहना। तुम किस खुशी में रो रही हो? मुझे ना अपना टाइम याद आ रहा है। फिर तो मुझे रोना चाहिए। मती आपको याद है जब हमारी रुखसती हुई थी, जिस जोर से चुटकी गाती थी आपसे? मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम इतनी जोर से जिगी पूरी धरती लाती थी, पूरा खानदान मुझे शक की नजर से देख रहा था। अच्छा सब सुनने, दुल्हन की गाड़ी में कोई भी नहीं जाएगा। दुल्हन भी नहीं जाएगी? अरे मेरा मतलब है मैं और दुल्हन जाएंगे ना यार। ओके ठीक है, तो फिर खड़े क्यों, जाओ चले। जिंदा होती तो बहुत खुश होती।
यहाँ क्यों रुकी गाड़ी? सर में दर्द हो गया मेरे यार, मैं जरा कॉफी लिया। इस वक्त कॉफी कौन पीता है? मैं कॉफी किसी टाइम भी पी सकता हूँ मैडम, बस मैं योग्य और हमारे। ओह सारे, जल्दी ले आना वरना तुम्हारे बाबूजान ना बहुत मारेंगे तुम्हें। अरे मर तो हम वैसे ही चुके हैं आप पे। अच्छा आप जल्दी जाओ, ध्यान से आके गाड़ी चलाओ। अब सारी जिंदगी मेरा ध्यान सिर्फ आप पे ही रहेगा। तुम भी ना हरो। अरे कैसे बाइक चला? अरे 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 बेटे बेहोश हो गया यार, ये बंदा मेरे साथ है, इसको गाड़ी में डलवाओ। अरे तारा तुम तो गाड़ी में, अरे डालो गाड़ी में, तुम जाओ गाड़ी में बैठो तारा। अरे संभल के आगे, संभल के थोड़ा आगे कर लेना यार, कार जल्दी करो। ना सर फोन को मिलाओ, देखो चांद कहाँ रह गया दुल्हन को लेकर। याद है मत्ती ने भी शादी पे यही किया था। वो ऐसा दुनिया का कौन सा काम है जो इन दोनों ने ना किया। अच्छा छोड़े, अरे ये देखें छोटा जोड़ा तो आ गया मुंह फुलाए। रुको रुको रुको, अरे रस्म तो शुरू। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, पहले हम रस्म कर लें। Take it easy. भी चोट नहीं, ठीक हो जाएगा बच्चा। और उसको इंटरनल ब्लीडिंग ना हो तो प्लीज मामा को कॉल करो। अरे उन्हें क्या परेशान कर रही हो, डॉक्टर शब्बीर है ना अंदर। सारे वो हमारी गाड़ी से टकराया है। हमारी तो गाड़ी खड़ी भी थी यार, खड़ी गाड़ी में मारा, हमारा कसूर ही नहीं। और इस वक्त जो भी है बस उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा बच्चे गुंशा। बच्चे को ओटी में शिफ्ट करवा रहे हैं। आप क्यों हो गई हॉस्पिटल? सर एक्चुअली हमारी गाड़ी से टकराया है वो। मैं चलती हूँ आपके साथ। Not at all. I can handle. सर वो कह रहा है ना, I can handle. तारा विश्व मूव, सब इंतजार कर रहे हो यार हमारा। नहीं सारे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक उस बच्चे को होश नहीं आता। अच्छा रिलैक्स, हम दोनों यही हैं, जब तक बच्चा होश में नहीं आता हम नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाऊं? नहीं यार कुछ नहीं चाहिए, पहले भी तुम कॉफी लेने जा रहे थे। तारा कॉफी का क्या कसूर है यार, कॉफी ने थोड़ी टक्कर मारी है। हम बस यही रोना। मैं यही हुआ छोटे, तुमने कहा था फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट होगी, ये तो प्लास्टिक के फूल है। ये वो भी क्या बता रहा हूँ, अब्बा ने करवाई है सेटिंग। तुम्हारे अब्बा ने सिर्फ जान छुड़ाई है और हमारे फोन्स भी रख लिए। फोन में ले आऊंगा रात को, जाके मुंह धो लो। क्यों यार, चुड़ैल टाइप लग रही हो। चीटर, तुमने कहा था ड्रीम शादी करेंगे, ये ड्रीम कम जॉनी शादी ज्यादा है। साथ ही सारी चीज है, मजाक कर रहा था यार। नहीं दुल्हन हॉस्पिटल चली गई। जब दुल्हन डॉक्टर हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तो अच्छा शुक्र नहीं है ना, चांद को ही कुछ अक्ल करनी चाहिए थी, उसे मना करता ना। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो बेचारा तो खुद परेशान है। वो इसीलिए मैं नई नई चीजों के ना सख्त खिलाफ। भाई क्या जरूरत थी दूल्हा दुल्हन को अकेले गाड़ी में आने की, कोई साथ होता तो संभाल लेता ना। अच्छा तुम जाके नीचे बाबू भैया को संभालो, वो लोग आते ही होंगे। जाओ यार, एक्सरसाइज भी नहीं हुई आज। क्या हुआ डॉक्टर शबीर? चोट की वजह से कुछ इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उसे तकरीबन 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कोई टेंशन की बात तो नहीं, कोई सीरियस कंडीशन? सीरियस हो सकती थी, लेकिन अगर टाइमली डॉक्टर तारा उसे हॉस्पिटल ना पहुंचाती तो। वरना आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, 12-13 साल के बच्चे को कोई रोड सेंस ही नहीं होता,
और आपने बाइक चलाने के लिए दे दी उसे। बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं बना होगा इंश्योर। इतनी बुरी बाइक चला रहा था, खड़ी गाड़ी पे आके उसने हिट कर दिया। मैं सोचता हूँ खुदा ना खास्ता अगर मेन रोड पे होता तो न जाने क्या होता। हर साल हजारों बच्चे हेड इंजरी से मरते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पेरेंट्स को एहसास नहीं होता। पर हमारी जगह कोई और होता तो शायद उसे वहीं छोड़ देता। आई एम सो सॉरी। बच्चे जिद करते हैं तो वालदैन को मजबूर होना ही पड़ता है। मैंने भी इसी एज में बाइक चलाना सीखी थी। आप उस वक्त भी गलत कर रहे थे, आप अब भी गलत ही कर रहे हैं। ये सब कुछ अपने बच्चे से मोहब्बत शुरू नहीं करता है। आपने सरासर उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया इस तरह। ये कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खुदारा बच्चों के साथ बच्चे ना बने। 18 साल से पहले बिना लाइसेंस के अब आप उसे बाइक चलाने नहीं देंगे। और प्लीज़ जब वो बड़ा हो जाए फिर भी आप हेलमेट यूज़ करना बताएं उसे। जी बहुत शुक्रिया। ये भी शुक्र है कि वो डॉक्टरिंग गाड़ी से टकराया है। थैंक यू डॉक्टर शब्बीर। ओके चलिए सर। चल फाइल दिखाई मिस। भाभी 1 लाख रुपए से कम में नहीं मांगेंगे। नहीं भाई तुम पागल हो क्या? हम लोग 5 लाख रुपए मांगो। साइज के हिसाब से पैसे मांगते हैं। 1 लाख ठीक। 1 लाख वाली शक्ल है तुम्हारी। मैडम वैसे ऐसी शक्ल में फिदा हुई थी आप? मैं नहीं हुई थी, पहले तुम फिदा हुए थे। अच्छा हेलो जी भाई, शुरू हो गई तीसरी जंग अजी। भूमि तुम यहाँ बैठो मेरे पास। अरे छोड़े जल कुकरी को, आप 1 लाख रुपए दे बस फिर खत्म करें किस्सा। 1 लाख भाई इतने में तो नया घुटना लग जाएगा। अरे तुम्हारी भाभी का तो फ्री में ही लगेगा, डॉक्टर जो है। अरे तो इसका मतलब है कि वो अपना घुटना निकाल के दे दे क्या? चलिए यार 5,000 रुपए दे दूंगा और जाओ। भाई जितना पकड़ाई की रस्म है, सड़क से कालीन नहीं खरीद रहे जो 5,000 रुपए आ गए हैं भाई, 1 लाख रुपए। अरे बेटा भाभी जो खुशी से दे रही है वो चुपचाप ले लो। खुशी से तो हम सिर्फ दुआएं देंगे। नहीं बेटा अब तुम दुआ नहीं दगा देने के चक्कर में लग रहे हो। अच्छा ये लो मेरा पर्स और इसमें से जितने चाहिए ले। अरे भाई भाई पहले पर्स देख लो, ऐसा ना हो कि खाली हो। बच्चों ये तारा भाभी का पर्स है, आपकी जेब नहीं ये देखे।
कॉफी कॉफी रजी कॉफी। ये लो रजी 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 रजी। प्लीज देखो मेरी तरफ से परेशान मत हो, मुझे तो तारा ने जबरदस्ती रोक लिया था कि आज फिर रुक जाए मामा के साथ। सुबह चला जाऊंगा, आई स्वेयर सुबह चला जाऊंगा, रिलैक्स। रजी रजी तुम ठीक तो हो रजी? अरे कोई है? अरे हाँ रजिया, पानी लाओ, तुम्हारी बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया बेगम साहिबा को? मेरे ख्याल से इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। तुम वो ब्लड प्रेशर का आला लेके आओ। मैं भी लेके आई। जल्दी ये पानी पियो, ये लो। आर यू ओके? हाँ रजिया, ऐसा करो इनको कमरे में लेके चलो। हाँ चलें। कमरे में लेके चलो। आइए आइए, मैं आपको कमरे में लेके चलती हूँ। आइए आराम से देख ले, ले जाओ। माला तुमने चेंज कर लिया? हाँ। दो घंटे से ज्यादा हैवी कपड़े पहने नहीं जाते ना मुझसे। यहाँ चौकीदारों की तरह क्यों खड़ी हुई हो? दूल्हे राजा से 50,000 निकलवाने आई हूँ मैं। 50,000? मैं भी खड़ी हुई फिर। आजा। ये क्या गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागर्दी नहीं है, भत्ता है जो कि हर दूल्हे को रूम के अंदर जाने से पहले देना पड़ता है। कितना? 50,000। 50,000 कभी देखे नहीं है तुमने? 50,000 बहुत ज्यादा है यार। हाँ तो हम तो 50,000 ही लेंगे। क्या चल रहा है भाई? तुम्हारी बीवी 50,000 मांग रही है। 50,000 शक्ल है तुम्हारी 50,000 वाली? स्वीटू इसी शक्ल की लाखों बार नजरें उतारी है तुमने। ए प्लीज अब तुम दोनों चोर फसाना मत शुरू कर देना। चांदनी जल्दी से पैसे दीजिए ना, उसके बाद मुझे सुनील अंकल से भीख भी मांगे अपने फोन के लिए। अरे सो गए अब्बा नींद की गोली खा के, अब तुम भी अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जाओ यार। अच्छा प्लीज यार कुछ कमी बेशी कर लो, 50,000 बहुत ज्यादा है। नहीं 50,000 मतलब 50,000 ही देने पड़ेंगे। और जल्दी तो यार भाभी वेट कर रही है। चलो ठीक है फिर, ये पूरा वॉलेट तुमने ले लो। हाशु 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 चीटिंग नहीं करना। हाशु हाशु तुमने रसम के पैसे लिए थे। हाशु मैं खड़ी हुई थी यार वहां पे, ये मेरा भाई ना, मुझे देखो। इसमें से तो 2-0 गायब है। चांद भाई गरीबों की आ लगेगी आपको। स्टूपिड, चांद को आ नहीं लगती, ग्रहण लगता है। ये 50 तो दे दो हाशु, मुझे कभी नहीं मिलते पैसे यार। Thank you.
अभी रुको। क्यों? यार तुम्हारे दिमाग का परवला साली है क्या? तुम्हें रेंट पे दिया था, जल्दी करो कोई आई ना जाए। इतना डर लग रहा तो साथ क्यों आई हो? मुझे भी डरा रही हो। पार्टी करने नहीं आई हूँ, मुझे फोन चाहिए मेरा। चुप रहना, दरवाजा खोल रहा हूँ। कभी सोता नहीं है? सोता है यार। इसको मैं पहुंचाता हूं उसके ठिकाने पे, तुम जाओ। मेरे पास पैर है, मुझे पता है मेरे कमरे का रास्ता क्या है। तो जाना मेरे बहुत। हाँ जा रहा हूँ। टिकटॉक बनाएंगे। आ चुका चुका। सॉरी, बाद में उठेंगे तो ठीक है, ठीक है तुम जाओ। जो अंकल आंटी का फोन उठाकर ले आए। रूमी, मेरे सर पे हेडलाइट्स नहीं लगी हुई, जो नजर आया उठा लाया यार। मैं नहीं जानती कुछ भी, जाओ इनके फोन रख कर आओ और हमारा लेकर आओ। अपनी जवानी में मरने का कोई शौक नहीं है मुझे, बाका हाथ देखा है कितना बड़ा है। तूने कहाँ रखे होंगे हमारे फोन? किसी बैंक के लॉकर में, ताकि हम ना पहुंच सके। मैंने तो आज के इवेंट की पिक्चर्स भी नहीं डाली, मेरे फैंस कितने अपसेट होंगे। रूमी कल बात करते हैं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है मेरे फोन का? यार मेरा फोन कौन सा हनीमून मनाने गया हुआ है। रूमी कल निकाल लेंगे ना कोई सलूशन, प्लीज। क्या मुसीबत है। और हाँ जैकी चैन, रात को टांगे नहीं मारना। मुझे याद है तुमने बताया था तुम्हें आदत है टांगे मारने की नींद में अपनी। मुझे तो सिर्फ टांगे मारने की आदत है, तुम्हें तो हर मामले में अपनी टांग अड़ाने की आदत है। मैं भी जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। फोन लिया,
शादी की पहली सुबह मुबारक हो। मॉर्निंग जानू, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। मुझे रात में उठाया क्यों नहीं? तुम सोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी, मेरा दिल नहीं किया तुम्हें उठाने का। ओह आई एम सॉरी, दो चार दिन से इतना हेक्टिक रूटीन चल रहा है ना तो। अरे कोई बात नहीं यार, क्या हो गया? मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई तो दूं? मुंह दिखाई? दिखाओ। अरे कोई बात नहीं। अरे तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए आज? आपकी शादी की खुशी में आज मामा ने छुट्टी करा दी और इसने मेरे बैग से मेरी वाली टॉफी निकाल ली। कटारे टॉफी निकाल। अरे तुम कब आ गए? मुझे पता ही नहीं चला ये कब तुम्हारे कमरे में आ गए। आई एम सो सॉरी, डिस्टर्ब किया होगा ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं, हम तो उठ गए थे। अच्छा ये बताओ कि नाश्ता कमरे में ला दूं या बाहर हमारे साथ? कमरे में। आप लोगों के साथ? आप लोगों के साथ करेंगे। चलो ठीक है, तुम लोग फ्रेश होकर आ जाओ और तुम लोग चलो। चलो वो डॉलर का बैंक मत कम करो ने। सुबह सुबह आ गए उनके कमरे में, चलो बाहर आओ। सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी यार। चले नाश्ता क्या दिखा रहा था तुम? आओ नाश्ता कर। चलो तुम्हारे घर में तो इतनी खामोशी है। हाँ बस अल्लाह रहम ही करे। माला की बच्ची बस बैग मुझे दो, मेरी शर्ट मुझे दो। ओए अरे आखिरी बार कह रहा हूँ। अरे संभल के, क्या हो गया? मेरी शर्ट वापस दो। अबे सोचो एक ही तो शर्ट थी, वो भी पोछा लगने जा रही थी, होटल बचा लिया मैंने। ये ब्रांडेड शर्ट से पोछा लगाओगी? तो पीआर पैकेज से कौन सा तुमने खरीदा? अभी बताता हूँ क्या पीआर पैकेज। दिखाओ मुझे, बहुत हो गया तुम्हारा। ये बैंड वाले भी कह रहे हैं बैंड बजा बजा के पूछ रहे हैं कि नाश्ता कब मिलेगा। हेलो जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। चार पराठों से क्या होगा? मामा आवाज नहीं आ रही मुझे। आप यही सोचेंगे किस चिड़िया घर में आ गए। ओए मेरा स्लीपर कौन बेवकूफ मेरे कमरे से उठाकर लेकर गया है? ये इस चोरनी का बैग चेक करें, देखिए मेरा कितना सामान निकल रहा है। मैंने बोला था घास मिलेगा कि इन्होंने इनके कपड़े चोरी किए थे। शाबाश, बताओ भी फसाद की जड़ तुम्हें। अच्छा आप कपड़े तो पूरे पहन कर आ जाएं यार। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम बेटा, सॉरी बेटा, पता नहीं कोई नाहंजार मेरी स्लीपर उठाकर लेकर चला गया है। हजार बार कहा कि वाईफाई का पासवर्ड मत चेंज किया करो। अस्सलाम वालेकुम। हां वालेकुम सलाम बेटा, आप क्या नया पासवर्ड है? शाहीन क्रूज है। ये किसने रखा? डैडी ने। बेबी मेरी मम्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। रूमी बेबी बेबी आप लोगों ने फिर नाराज कर दिया बेबी को। ओए बेबी के चक्कर में अपना बैंड नहीं बजवा लेना सुबह सुबह। चलो जाओ नाश्ता करके कॉलेज, प्रोफेसर का फोन आया था कोई प्रैक्टिकल है आज। आज ही? जी हाँ आज ही। और मेरे फोन मेरे कमरे में रख कर जाओ जो रात तुमने डाका मारा था। तारा तुम चाय पियोगी कॉफी? कॉफी लेकिन मैं खुद बनाऊंगी। नहीं नहीं साथ बना दो ना। अपनी वाली को भी कुछ तमीज सिखा दो, कुछ बड़ी भाभी सही सीख ले। हाथ धो के पीछे पड़ गए सब उसके। रूमी अच्छा वो शाहीन जी का फोन आया ना, वो कही थी मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। मैंने कहा आ जाओ। क्या जरूरत है इन फजूल रसूमात की, मना कर दो उनको। डॉक्टर राजिया को तो मैंने कल ही मना कर दिया था। ये किस चक्कर में आप डॉक्टर राजिया से अकेले अकेले बात कर रहे हैं? कंपनी से तो मशावरत करें। अभी करता हूँ। भाई भाई। अभी करता हूँ। तू चांद और मैं तारा।